टारगेट किलिंग कश्मीर के लिए कितनी खतरनाक है उसका असर हम देख पा रहे हैं। वकार भट्टी साहब मेरे साथ है, अब कश्मीरी एक्टिविस्ट है। भट्टी साहब, अब तक की जो टारगेट किलिंग के मामले सामने आए हैं उसमें एक अलग किस्म का पैटर्न देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा तंत्र का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो है हम प्रोफेशनल हथियारों की बात करें, प्रशिक्षण की बात करें, यह सब खुलकर सामने आया है। अब तक की बड़ी और कड़ी कार्रवाई, बीते 3 दिन में 570 लोगों का हिरासत में लेना और इस तरीके से एनआईए की ताबड़तोड़ रेड जारी है, वो ये संकेत है कि आने वाले वक्त में जो तस्वीर है वो बेहतर हो सकती है। 90 के दौर में कश्मीर न जाने पाए उसके लिए सारे कारगर उपाय उठाए जा रहे हैं सेंट्रल द्वारा, सेंटर द्वारा और स्टेट द्वारा। जी जी बिल्कुल भट्टी साहब, अदिति जी इस टाइम श्रीनगर में ग्राउंड जीरो पे हैं और मैं भी इस टाइम श्रीनगर ग्राउंड जीरो पे हूँ। अदिति जी को याद होगा 2019 5 अगस्त को मैं आपके स्टूडियो में था और मैं इन्हीं के साथ एक बात कर रहा था कि जब ये बोला जा रहा था कि 370 और 35A को खत्म करने के बाद नए कश्मीर में अमन होगा, रोजगार होगा, अच्छी एजुकेशन होगी, इंडस्ट्रियां होंगी, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो जाएगी, तो मैं आज अदिति जी से ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये सब कुछ खत्म हो गया? वो श्रीनगर में है, क्या ये चीजें लग रही हैं कि आपको खत्म हो गई? अगर ठीक है स्टोन पेल्टिंग आप बोलेंगे, ठीक है जी स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है, क्या स्टोन पेल्टिंग तो बंद हो गई, उससे तो किसी की जान नहीं जाती थी, बट टारगेट किलिंग क्यों बढ़ गई है? मुस्लिम की किलिंग हो रही है, सिख की किलिंग हो रही है, हिंदू की किलिंग हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। और दूसरी तरफ आप एक तो बात नहीं करते, मैं आपसे ये भी कहूंगा जो अनंतनाग में, अभी हम अनंतनाग में जा रहे हैं, अनंतनाग में जो सीआरपीएफ वाले ने एक गरीब को शूट किया, एक गरीब की जान ली, जिसके घर में रोटी के लिए पैसे तक नहीं है कि अपना वक्त कैसे पास करे, उसको आपने मार दिया, लेकिन उसकी बात आप नहीं करेंगे कि वो किसने मारा, वो क्यों मारा। तो हमारा सीधा सिंपल है कि अगर आप कश्मीर को बदलना चाहते हैं ना, तो कश्मीर के ऊपर सीरियस होना पड़ेगा, पॉलिटिक्स नहीं करनी पड़ेगी। वकार भट्टी, ये जो गरीब 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 आपने लगाया ना, जो गरीब 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 आपने लगाया, आप जवाब सुन लीजिए। पहली बात, आप अदिति त्यागी से जवाब जाते हैं, अदिति त्यागी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अदिति त्यागी पॉलिटिशियन नहीं है और ना ही अदिति त्यागी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती है। अदिति त्यागी एक पत्रकार है जिसका काम है ग्राउंड रियलिटी दिखाना। अब दूसरा जवाब सुन लीजिए, जो आपने गरीब 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 लगा रखी है, तो आपको बता देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे याद है, ये भी याद है, 2 महीने पहले भी मैं यहाँ पर थी, 2 महीने पहले कलेजा रखिए। हाँ ठीक है सर, मुझे प्रोपेगेंडा नहीं चलाना, मुझे ग्राउंड रियलिटी दिखानी है, जो मैं अभी दिखा रही हूँ। आपने सुन लीजिए ना, लेट मी स्पीक। अच्छा, आपकी परमिशन से बोल लूँ मैं? अरे सर बोल लेने दीजिए प्लीज। ओके सॉरी, आपने थोड़ी देर पहले राग अलापा, गरीब 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 को मार दिया, सुन लीजिए मेरी बात। गरीब 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 बिना नंबर की प्लेट, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, सॉरी, उसे लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? एक को एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, आपको रुकना है नहीं रुकना है, यहाँ पे सर्टेन प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना है नहीं करना है। आप मुझसे ये कह रहे हैं, ये जो अभी आपने इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश की अल्पसंख्यकों की किलिंग में, सिखों की किलिंग में या कश्मीरी पंडित की किलिंग में, और आपने एक सीआरपीएफ को यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश की, तो जनाब आईडी देखा था उसका? आईडी दिखाया दिल्ली में होता है तो मैडम जी, अदिति जी नए कश्मीर में, ये बताइए नए कश्मीर में दिल्ली होता है? पहले आईडी देखा था? आइडेंटिटी नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। अब आप कहने की कोशिश मत कीजिएगा, आप ये कोशिश मत कीजिएगा, आप ये कोशिश मत कीजिएगा यहाँ पर शूट करने की कि आप मुझे ये बात कह रहे हैं, आप सिक्योरिटी पर्सनल को बदनाम कर रहे हैं, उसकी इजाजत आपको नहीं दी जा सकती जनाब, आपको उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करना बंद कर दीजिए, सामने कैरेक्टर चैलेंज अपने आप में काफी है। और सुन लीजिए, आईडी देखकर जब लोगों को मारा जाता है, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी देखकर उनको मारा जाता है, तो जनाब इसका मतलब क्या होता है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। डोंट बी अ टेरर अपोलॉजिस्ट। सुन लीजिए यूपी यहाँ पर कहाँ से आ गए? मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, डोंट चेंज द गोल पोस्ट। अमित रैना, ये जो फॉल्स मॉरल इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है, ये किस तरह की जस्टिफिकेशन और दिए जा रहे हैं यहाँ पे, वो भी टारगेट किलिंग पर? अभी सज्जाद लोन ने कितना सीरियसली कहा कि इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड।